कितनी ज्यादा जहर लगी, जैसे मैं सिर्फ पास जाता हूँ ये देखो, फुल डिस्को नाइट बाहुआ, क्या बात है भाई, एक नंबर। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कनेक्शन, अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर कमेंट सेक्शन खुला है भाई, पूछ लेना। और क्या है, और सिलेक्ट किया मैंने देखो 46 का, फुल कार्बन फाइबर फिनिश है, हल्की हल्की, और ये यहाँ लग जाएगा कुछ लगा भाई कन्नू भाई। Yeah, MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. तो भाई कैसी लगी एंट्री? अच्छी लगी एंट्री, मतलब तुम्हारा भाई फुल स्टाइल में है, यूं बैठ के यूं और फॉग लैंप भाई, क्या बताऊं, देख रहे हो ये फॉग लैंप, ये दिखने में पिद्दू से लेकिन काम एक नंबर, फुल चौकस, मतलब ये लगा लो कैमरा ना, कहता भाई हाथ जोड़ लो भाई तू बंद कर दे इसको, ऐसा बोलते हैं कैमरे भी। CYT आ चुकी है, ये रही CYT, देख सकते हैं फुल चाइनीज आइटम है, देख रहे हो यहाँ फुल लिखी हुई ना CYT। तो हमारा सी इंग्लिश देखो कितना छोटा था, और ये इनका सी चाइनीज कितना बड़ा है ना मनीष, देखियो कितना बड़ा है चाइनीज का सी, निकाल दे रहा डब्बा खोलो भाई। तो भाई कुछ ऐसा दिखेगा अपना CYT का बल्ब, निकालो भाई अंदर से। अच्छा ये जो है ये तो वैसे पहले गोल्डन आता था ना इसमें, यस। और ये देखो जी इसमें दो पॉइंट हैं, अरे कलर मनीष तू पकड़, फोकस है, फोकस मजा नहीं आ रहा। तो गाइस अभी आपको चेकआउट कराता हूँ कि इसमें क्या पॉइंट है, देखो ऐसे खा ऐसे, ये देखो जी एक ये लॉक कर दिया मैंने, हाँ। तो इसमें देख लोगे आप, एक तो थोड़ा डार्क है, एक थोड़ा लाइट है, तो लाइट वाला है वाइट और डार्क वाला है येलो, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है मनीष भाई चेक करेगा वहाँ पे एमुलेटर पे, हाइलाइटेड तेरा यार कॉपीराइट आ जाएगा भाई। तो भाई ये जो स्कूटी देख रहे हो ये इसकी भाई क्या नाम है राहुल की, अच्छी खासी ब्लू कलर था, लेकिन वो देख के होता है ना सनक भाई, मैं भी करूँगा कलर मंगाया बंदे ने फुल, देख रहे हो ये ऑरेंज है राहुल, ये होगा ये, अरे नहीं यही कर देंगे। तो भाई यहाँ काम चल रहा है स्कूटी में, दिखाऊंगा इसका लुक कैसा बनाता है भाई ये। तो देखो ये तो वाइट हो गई, तो व्हाइट के दो पॉइंट मिलते हैं, काफी तेज है, पीछे पंखा घूम रहा है सही है, ठीक है येलो कर दो, ओए होए होए। तो भाई देखो ये फुल जो है फॉग में काम आएगा, और देखो रोशनी क्या बात है भाई, ऑसम भाई ऑसम। अभी जो लगा हुआ है इसके अंदर कंपनी का स्टॉक बल्ब लगा हुआ है, एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये इग्निशन ऑन, सिंगल टच स्टार्ट, और ये हमारा बल्ब ऑन हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये बल्ब है, ठीक है, इसकी रोशनी कुछ ऐसी है, आगे चेकआउट कर लो। तो ये क्या सीन है देख रहे हो, ये भाई इतनी तेज है, ज़्यादा तेज है नहीं, इधर करता हूँ देखो, ठीक है, पता भी नहीं चल रही। और जब ये डूम के अंदर लग जाएगी हमारी CYT वाला बल्ब जगह इस डूम के अंदर, तब आएगी बातचीत, ठीक है ना। तो मैंने टाइम इसलिए चूज किया था गाइस, क्योंकि दिन में अगर मैं शूट करता हूँ तो फिर दिन में आपको पता नहीं चल पाता, मतलब विजिबिलिटी के भाई कैसी लाइट काम कर रही है, कैसे फॉग लैंप परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आपका पिछली वीडियो में जो आपने प्यार दिया वो मेहरोली वाली वीडियो, वही हुई तो वो सीन जो था उसमें जो थी, आपने बहुत ज्यादा कमेंट करे भाई कि दानिश भाई फॉग लैंप दिखाओ, फॉग लैंप का रिस्पॉन्स चेकआउट कराओ, तो भाई उसमें तो दिखा नहीं पाया था, बट हाँ इस वाली वीडियो में आपको प्रॉपर दिखाऊंगा मैं इस लाइट का जो मैं डलवा रहा हूँ उसमें, और जो फॉग लैंप में पहले से इंस्टॉल करके उसका मैं आपको दिखाऊंगा पूरा परफॉर्मेंस कैसी है भाई, मतलब कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं रात में, ठीक है। और बाकी इंडियन फ्लैग में दिखा देता हूँ, ये तो इन्होंने ये लिखा था यहाँ पे अपना लोगो, मतलब यूट्यूब का लोगो, अपने चैनल का नाम, और ये रहा वो इंडियन फ्लैग जो कि हसन ने निकाला था, ठीक है ना। देखो जो आपका इसका लगाने का जो मेथड है ना, वो कुछ ऐसा है कि आपने 10 नंबर की गोटी यानी कि TP किसी से भी, आप 10 नंबर के दो बोल्ट खोल लोगे, और ऐसे बोल्ट जो उठा के कोई भाई खड़ा हो तो उसके हाथ में दे दोगे, ले मनीष भाई, ठीक है। और ये फिर 12 नंबर खोल लोगे, ले मनीष भाई 12 नंबर भी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, वैसे तो मैं कवर नहीं करता क्योंकि पिछली वीडियोज़ में कई बार कमेंट आते हैं कि भैया कैसे लाइट लगाते हैं वो, उससे बताओ उसका बताओ, तो ये लो मनीष भाई, तो इसलिए मैंने कहा लाओ यार इसी बहाने ये सब दिखा देंगे कन्नू ने, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे डूम बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ से निकालना है आपको, उसके बाद ये डूम बाहर आ गया, अब डूम में से यहाँ से बल्ब निकालेंगे भाई। अभी कनेक्शन का आपको समझा देता हूँ प्रॉपर तरीके से, जैसे कि ये डूम है, ठीक है, अभी इससे कनेक्शन है AC, ठीक है, जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है कि जब आप चाबी ऑन करके बाइक स्टार्ट करोगे तभी लाइट जलेगी, वरना लाइट नहीं जलेगी, ठीक है। और जो मीटर के जो बल्ब होते हैं छोटे छोटे है ना, वो भी क्या होते हैं लुप करते हैं, रेस देते हैं तो तेज जलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देखो चाबी ऑन है, इग्निशन ऑन है, बट यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, जब हम DC कर देंगे तो इसके जो बल्ब है वो ऑन हो जाएंगे, ठीक है, ये सीन है, ये वाले भी ऑन हो जाएंगे। और जो है क्या बोलते हैं इसकी हेडलाइट भी जब AC करेंगे और DC कर देंगे तो बिना स्टार्ट करे गाड़ी ऑन हो जाएगी ये लाइट, ये ठीक है। अभी क्या सीन है कि आपको AC से DC कैसे करने वो बताया हमारा कन्नू भाई, कन्नू भाई कैसे करना है जल्दी बताओ,
ये पहले कपलर खोलेंगे, इसमें पीली वाली तार निकालेंगे, ठीक है, इस कपलर को वापसी लगा देंगे जैसे निकाला है। फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ से आ रहा तार? ये स्विच वाला। अच्छा, स्विच जो हमने लगाया नया लगाएंगे उसका एक तार है, ठीक है, और ये उसी तार का एक और तार है स्विच का ही, ठीक है। वो तार कहाँ जाएगा भाई? चाबी में, जो हमारा हैंडल लॉक है, ठीक है। तो गाइज आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है, पहले एक खोलना है तामझाम, उसके बाद जो कपलर यहाँ पे व्हाइट कलर का दिखेगा इसमें से येलो वाली तार पिन पेचकस से बाहर निकालनी है, ठीक है, और जो स्विच होगा जो होता है लाल वाला उसका एक तार उस पीले तार के साथ जोड़ देना है, ठीक है, ताकि करंट वो ऑपरेट कर पाए। और जो मेन उसका हरा वाला तार होगा तो वो जो है चाबी के उसमें, जैसे कि ये भाई हमारा कर रहा है, बिना वायर काटे इसको लगा दे रहा है, तो अब क्या ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। चाबी ऑन कर दो, देखो जी, देख सकते हैं आप, बिना बाइक स्टार्ट करे हमारी लाइट जल चुकी है, एसी या डीसी हो गई है। यहाँ पे देखो मैं फ्लक्चुएट कर रहा हूँ उसको, ये देखो ये हाई बीम ये लो बीम, ठीक है। अब एसी मीटर के अंदर लाइट आएगी, देखो ये हाई बीम ये लो बीम, ठीक है, और ये जो बल्ब होते हैं ऊपर वाले नीचे ये दोनों ऊपर वाले ये स्टार्टिंग पे आए हैं कुछ इस तरीके से, देखो ये तो ये आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया फंक्शन है। अभी क्या है कि हम इसका बल्ब निकालेंगे और अपने सीवाईडी डालेंगे, ठीक है। आई होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कनेक्शन, अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर कमेंट सेक्शन खुला है भाई, पूछ लेना और क्या है। और बाकी मनीषा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा भाई, कॉल कर लेना। हमारे टेक्नीशियन बहुत सारे, एक दो तीन सारे पिद्दे से हेड में लेंगे, कोई बात नहीं, काम अच्छा जानते है भाई। तो सीन ये है, ये बहुत आसरा है। तो भाई सीन ये है कि फटाफट से टेप मार रहे हैं, बल्ब चेंज कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, फिट करने के बाद ले चलेंगे अंधेरी जगह और वहां पे ले जाकर आपको चेकआउट कराएंगे भाई, कैमरा काला वाला हो जाएगा। तो वहां पे आपको चेकआउट कराऊंगा, पहले फॉग लैंप चेकआउट कराऊंगा, फिर जो बल्ब डाला है वो चेकआउट कराऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से पैक कर दो, मिलते हैं आगे पूरे मुंह में। भाई 35 वाट का बल्ब हमें कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, और हमने लगाया इसमें 55 वाट का LED सेटअप, और कैसा काम कर रहा है इसके लिए बने रहो, अभी दिखाता हूँ। ऐसा कुछ काम कर रही है, ठीक है, लगने दोस्तों, क्या बात है, तहलका है तहलका। तो भाई अपनी बाइक की पूरी प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है, ये देखो जी, लग गया अपना CYT, इसके अंदर डुअल टोन LED बल्ब, आगे लगे हुए दो छोटे छोटे HJG के प्रोजेक्टर, मतलब प्रोजेक्टर DRL वाले फॉग लैम्प, ये डुअल टोन होते हैं। एक्चुअली सीन ये है कि मैंने इसमें स्विच एक लगवा रखा, दो लगवाओगे तो जो व्हाइट वाला सीन है ना ये ब्लू दिखेगा दोनों में, और बीच में जो DRL जो है प्रोजेक्टर टाइप ये जलेंगे व्हाइट, ठीक है ना। तो मैंने एक ही स्विच में करा रखा दोनों का काम, और बाकी चलो चलते हैं बाहर लेकर इसको अंधेरे में, और आपको दिखाता हूँ कैसा काम कर रहा है, ठीक है। Yeah, MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. Look. I told Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. भाई फिलहाल अंधेरे में हो रही है शूट, और जैसे कि मैं चाबी ऑन करता हूँ तो कुछ लाइट मेरे मुंह पे पड़ेगी क्या? एक मिनट, इंडिकेटर, तो इंडिकेटर की झलक आप देख सकते हो मेरे मुंह पे, जो इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और कितनी ज़्यादा जहरीली। जैसे मैं इसके पास जाता हूँ ये देखो, फुल डिस्को नाइट बाहुआ, क्या बात है भाई, एक नंबर। फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, और मेरे पीछे देख रहे हो आप पूरा जंगल, मतलब जंगल नहीं मतलब फुल अंधेरा है, अंधेरा कायम रहे, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे फॉग लैंप है उसका फोकस, उसकी परफॉर्मेंस क्या दे रहा है यार वो, नो डाउट। और इससे पहले जो आपने शॉट देखे यहाँ पे आने तक के वो कैसे लगे बताना ज़रूर, और भाई मदद करिए मेरे शरद भाई ने, ठीक है ना, तो एक लाइक ठोक देना शरद के नाम पे, ठीक है ना। तो चलो पहले मैं आपको परफॉर्मेंस चेक कराता हूँ अपने दो छोटे छोटे निक्के जाए फॉग लैंप के, ठीक है। गाइस अभी सीन क्या आप देख सकते हैं, सामने देखो उंगली दिख रही है मेरी, तो इस तरफ नीचे जमीन आपको नहीं दिख रही है बिल्कुल भी, जो एरिया ये वाला बिल्कुल काला हो रखा है, फुल ब्लैक आउट हो रखा है, ठीक है ना। तो अभी मैं अपने जो फॉग लैंप हैं ये ऑन करता हूँ, एक दो तीन, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाइड है यार ये, एक मिनट फोकस में लॉक कर देता हूँ पहले, तो वाइड दिख रहे हो आप,
बाइक कहाँ खड़ी है मेरी, सेंटर पॉइंट में, लेकिन जो राइट में वरना खड़ी है इसकी लाइट टूटी हुई है, ये देख सकते हैं, ये दिख रही है। इधर से देखो तो अपनी ये स्विफ्ट डिजायर वो दिख रही है, और पूरा आगे तक का जो एरिया कवर होता है, मैं लाइट करता हूँ बंद, कहाँ गया बटन, ये 1 2 3 देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाइड एंगल है यार इसका, 1 2 3 देख सकते हैं आप, है ना। तो इसका जो नज़ारा है कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, बाकी जो है कुछ लाइट देख रहे हो कितनी ज़्यादा फाड़ू है, देखो कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा यार, ये देखो जी क्या बात है, बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड। एक बार दोबारा चेकआउट कर लो कि इसका जो एंगल है ना वो सेंटर में होने के बजाय, सेंटर तो है ही, पूरा वाइड है, पूरा रोड कवर कर रहा है, मतलब जब आप चलोगे रोड पे तो पूरा एरिया कवर करने वाला है, और अच्छा खासा विजिबल हो रहा है। और डिस्टेंस जो है देख सकते हैं आप, ये बाइक खड़ी है और यहाँ से करीब कुछ 5 या 10 मीटर का जो गैप है वो थोड़ा सा कम है, जो कि दिख रहा है हमारे को वीडियो में, बाकी इससे आएगा आपको दिख रहा है पैच, वो पूरा चमक रहा है, पूरा अच्छे से विजिबल हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं सही चीज़ है, क्योंकि अगर आप चल रहे हो बाइक पे और सडनली अगर वहाँ से आपको कुछ दिखेगी गड्ढा वड्ढा या कुछ पत्ता दिख रहा है, तो आप अपना टर्न वन ले सकते हो या ब्रेक लेने का एक को टाइमिंग मिल जाएगी। अगर आप सोचो कि यहाँ पे फोकस है वहाँ फोकस नहीं है, तो आपकी गाड़ी यहाँ पे जब आ जाएगा कोई चीज़ तो एकदम से तो आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे, ठीक है ना भाई। प्रोडक्टर आपको अच्छे लगे हो, उनका काम अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, नंबर मनीष का डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, फिर दोबारा अंधेरा हो चुका है, तो यहाँ पे मैं बटन ऑन करूँगा जो अपने LED बल्ब लगाया है, तो ये देख सकते हैं इसका काम कैसा है, तो बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा है, फुल येलो, मज़ा आ गया देखकर, और कहीं ना कहीं आपको भी मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी लंबी रेंज है इसकी। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि इसका जो फोकस है रोड पे सेंटर में, ठीक है, देख सकते हैं आप, मतलब जितना हमारा डूम वाइड है, मतलब जितना डूम दे सकता है उतना उन्होंने उतना मतलब हमारे को रोशनी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अगर बात करें छोटे छोटे ये फॉग लैम्प की जो काम करते हैं, इनका काम कुछ ऐसा है, देखो अभी कार नहीं दिख रही आपको, वरना कार मतलब विजिबल हो रही है, इतनी नहीं हो रही, ये वाली स्विफ्ट डिजायर तो दिख ही नहीं रही, फुल अंधेरा, ठीक है, ये 1 2 3 तो देख सकते हैं आप, तो कुल मिला के फुल नज़ारा ओके की रिपोर्ट है, पूरी कारें साइड की दोनों दिखाई दे रही है, मतलब कि फॉग लैम्प इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर हम हेडलाइट अगर एक पल को बंद भी कर देते हैं तो फॉग लैम्प से काम चल जाएगा, ठीक है ना, फिर दोबारा आ गए भाई इससे काम चल जाएगा। अगर आपको ये लगवाएं तो ये लगवा सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है, और अगर इसको नहीं लगवाना तो भाई LED बल्ब वल्ब लगा सकते हो, तो विंटर में तो ये तो मस्ट है भाई, बंदे पीली अपनी पन्नी पुन्नी चुपका लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो वो ना कराओ, 2-in-1 बल्ब आ रहा है हमारे पास, ये लगवाओ, ठीक है ना। ये देखो वाइट, वाइट की भी काफ़ी अच्छी रेंज है, ये देखो वाइट, ये जो येलो है थोड़ा वाइड है और ये थोड़ा नैरो है, और थोड़ी इसकी लेंथ ज़्यादा है, बस ये फ़र्क है, बाकी जो है विजिबल अच्छा खासा हो रहा है। बाकी सामने से मनीष हाई लो करिए ज़रा, ठीक है, करिए ज़रा, क्या बात है भाई, ठीक है। तो भाई अब लाइट वेट सारी बंद है, अब जो है मैं हैज़ार्ड ऑन करूँगा, मनीष ऑन करिए ज़रा भाई, तो हैज़ार्ड देखो ऑन हो रहा है, और कुछ रात में ऐसा काम करता है, ठीक है, पैटर्न चेंज कर दे भाई, तो कुछ के अंदर 17-18 मोड्स होते हैं, ठीक है ना। तो अपने इंडिकेटर LED रिलेवेस में वैसे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आ रहा है कलर निकल कर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है रात में, अट्रैक्टिव है, ठीक है। और पीछे से दिखाता हूँ आपको एक बारी कि पीछे से आपकी बाइक कैसी लगने वाली है, कुछ ऐसी लगने वाली है, ठीक है ना, रात में। तो इसको बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दो। अब जो है ना ये रिम लाइट ऑन कर देता हूँ, यहाँ से टांग गई यार बटन, ये रहा। तो भाई रिमोट तो घर रह गया, कोई बात नहीं, अभी हमने मल्टीपल पर छोड़ा हुआ है। तो भाई रिम लाइट है, वैसे तो आपने देखा होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, बाकी जो नए जुड़ रहे हैं अब और जो अभी कुछ दिन पहले जुड़े हैं, तो भाई देख लो कुछ ऐसी इसमें लाइट भी लगी हुई है, ठीक है। एक कार आधी से निकल जाने दो, तो अब देखो भाई आ रही है बातचीत। तो ये मैंने इसलिए इस मोड पर करके छोड़ा हुआ है, क्योंकि भाई देखो कभी कभी लॉन्ग राइड निकलते हैं जैसे, तो उसको लगा के छोड़ दिया अपने, चलता रहता है, ठीक है ना। तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये। बाकी अब जो है फटाफट से जितनी भी इसमें लाइट्स लगी हैं सब ऑन कर देते हैं वन बाय वन। तो ये ऑन हो गया, यहाँ से ये ऑन हो गई, ये ऑन हो गई, तो कुछ अपनी बाइक फुल जलवा ऐसी लगती है, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा हमने इसके अंदर, इसको भी वाइट कर देते हैं एक बारी। चलो जी देखो जी, लाइट तो लाइट, फॉग लैम्प भी खतरनाक है भाई अपने, और ये तो बहुत ही खतरनाक हो रहे हैं यार, ये तो फॉग लैम्प तो देखने नहीं दे रहे कुछ और इसके अलावा। रिम लाइट अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ठीक है भाई। तो भाई देखो दिन वाली फीलिंग्स आ रही है हमारे को, मतलब लाइट की ज़रूरत नहीं है, मतलब दिन हो या ना हो बाइक खड़ी कर दो, फुल ऑन फोकस दिख रहा हो पूरे चेहरों पे, सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ये अपना कैमरामैन, इनने शॉट लिए बाइक वाले, ये स्कूटी चला रहा था, मैं बाइक चला रहा था, ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसी लगी, ये काम कैसा लगा आपको, दिख रहा होगा यार कि भाई क्या चीज़ है। मैंने थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते कहाँ तक इसका फोकस आ रहा है हमारे पे। तो अभी क्या है कि नीचे होता जा रहा है, लेकिन हाँ ये है कि हम विजिबल हो रहे हैं। देखो कितनी दूर आ चुके हैं, देखो बाइक कहाँ खड़ी है हमारी, वहाँ खड़ी है,
और अब भी विजिबल हो रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और बाकी ये वीडियो और ये जो काम हुआ ये कैसा लगा इसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप ये कमेंट सेक्शन में भर देना कमेंट। और भाई कुछ काम कराना हो तो मनीषा नंबर देखो डिस्प्ले में आ रहा है, बाकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैकेनिकल कुछ काम कराना हो तो भाई इसकी दुकान पर पहुँच जाना शिव उस्ताद जी के पास, और जो है वहाँ पर काम करा लेना। और कुछ एडवाइस चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, ऊपर डिस्प्ले में पॉपअप हो रहा है, फटाफट जाओ फॉलो कर लो। और कुछ पूछना हो तो वॉइस नोट छोड़ना, रिप्लाई करूंगा 110%, ठीक है। और बाकी कुछ तो है नहीं ना, बाकी तो बेल बजानी है भाई। हाँ भाई एक चीज़ और है यार, तुम ना पता है चक्कर क्या, बस सब्सक्राइब कर छोड़ देते हो, उसके बगल में जो घंटी आती है ना उस पर जब क्लिक करोगे तो ऊपर ऑल का बटन आ रहा है, मतलब ऑल का लिखा होगा ऑल, उस पर क्लिक कर देना। तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और सबसे पहले वीडियो आपको देखने मिलेगी, वो भी फ्री में, फ्री में मिलेगी, फ्री में, ठीक है ना। तो चलो इस नोट पे वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।